छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन बैटिंग ऐप पर रण छिड़ा हुआ है। सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर केंद्र सरकार से सट्टा जुआ बैन करने की मांग की। पत्र में मुख्यमंत्री ने लिखा कि केंद्र अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सभी बैटिंग ऐप पर बैन लगा दे। इस पर कांग्रेस विधायक विकास उपाध्याय ने सीएम की बात का समर्थन किया, कहा कि ऑनलाइन बैटिंग ऐप से युवा गुमराह हो रहे हैं। केंद्र ने पहले भी बहुत सारे ऐप पर प्रतिबंध लगाए हैं, ऑनलाइन बैटिंग से जुड़े प्लेटफॉर्म्स भी बंद होने चाहिए। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने मुख्यमंत्री पर पलटवार में कहा कि कांग्रेस की नीति नियत दोनों खराब रही है। सीएम ने केवल पत्र लिखा है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस ने भ्रष्टाचार का कीर्तिमान बनाया। छत्तीसगढ़ के प्रति कोई विजन नहीं रखा। कांग्रेस हाईकमान कैसे खुश रहे, इसी में पूरे 5 साल बिता दिए। भ्रष्टाचार के पैसों को गट्ठा बांध कर सीएम ने हाईकमान तक पहुंचाया है। छत्तीसगढ़ को कंगाल बनाकर छोड़ा है, स्थिति खराब है। तो मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से सट्टा जुआ ऐप्स को बैन करने की मांग की, कहा है कि आप अपने केंद्र के अधिकारों का इस्तेमाल करें और सभी ऐप जिन पर ऑनलाइन बैटिंग कराई जाती है, सट्टा लगाया जाता है, उसे बंद कर दें। तो प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है, ऑनलाइन बैटिंग के अवैध कारोबार से जुड़े प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग है। पहले मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा प्रधानमंत्री को और साथ ही साथ इसे एक्स पोस्ट करके जनता के साथ साझा भी किया कि उन्होंने ये पत्र लिखा है। तो प्रधानमंत्री मोदी को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्र लिखकर यह मांग की है कि अधिकारों का इस्तेमाल करें और सभी बैटिंग ऐप, जितने भी ऑनलाइन सट्टे वाले ऐप हैं, उन सब पर बैन कर दें, उन्हें बंद कर दें। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है, आज पूरा देश अगर गुमराह हो रहा है, देश अगर मिसगाइड हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इन ऐपों के माध्यम से नौजवान पीढ़ी से लेकर हर व्यक्ति आज उसी पर टिका है। तो मैं समझता हूँ एक जायज बात चिट्ठी के माध्यम से एक संवेदनशील मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को लिखी। पहले जब इतने ऐप को आपने प्रतिबंध किया है, इतने सॉफ्टवेयर्स को आपने प्रतिबंध किया है, तो बाकी इनको भी करने की आवश्यकता है। कई सौ कई हजार पत्र उन्होंने प्रधानमंत्री जी को लिखा है। एकमात्र काम उन्होंने किया है, प्रदेश का कोई विकास नहीं हुआ, छत्तीसगढ़ में विकास ठहर गया है। छत्तीसगढ़ ने अगर कीर्तिमान बनाया है तो भ्रष्टाचार का कीर्तिमान बनाया है। कांग्रेस हाईकमान कैसे खुश रहे, सोनिया जी कैसे खुश रहे, राहुल और प्रियंका जी का कैसे इनको आशीर्वाद प्राप्त हो, पूरा 5 साल इसी में निकाल दिया भूपेश जी ने।